Today we'll look into what happens to a light ray when it passes through prism. So before going into this, I just revise what I have taught in the refraction video. Refraction ke time aapne ek dekha tha, jisme humne glass slab mein light kaisa behave karti hai, wo dekha tha ki ye incident ray hai aur ye normal hai. Ye refracted ray, it is bending towards the normal, then again it will bend away from the normal, and this is the emergent ray. So if you extend this incident ray, agar hum is incident ray ko extend karte hain, so it will be parallel to the emergent ray, aur in dono ke beech ka jo distance hota hai wo lateral displacement kehlata hai. Ye hum dekh chuke hain refraction mein. अब कुछ इसी तरीके की चीज हम देखते हैं प्रिज्म में क्या होगा लाइट रे का जब वो पास होगी. देखो जब प्रिज्म से लाइट रे पास होती है, सो दिस इज प्रिज्म, अ फेस ऑफ द प्रिज्म. व्हेन लाइट रे कम्स, सपोज इट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, अगर वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, सीधी जाती तो वो इस तरीके से जाती. बट सी दिस इज अ स्लैंटिंग सरफेस, तो उसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगा. ये 90 डिग्री इस तरीके से बन रहा है नॉर्मल. सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और ऐसे चली जाएगी लाइट रे. अब जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे नॉर्मल जो है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, एंड इट विल bend away from the normal because the light ray is going from denser to rarer. Glass slab से air में जा रही है तो it is going from denser to rarer. तो आप देखोगे कि light ray जो है वो base की तरफ bend हो रही है prism में. Now this is angle of incidence and this is incident ray, this is emergent ray. हमने glass slab में देखा था कि incident ray और emergent ray आपस में parallel है, but यहाँ पे अगर मैं incident ray को extend करूँ और ये एमर्जेंट रे को पीछे करूं तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे. ये दोनों पैरेलल नहीं होते बल्कि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और एक एंगल बनाते हैं. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं. सो दिस टर्म यू हैव टू रिमेंबर दैट the angle which is made by the incident ray and the emergent ray in case of prism is known as angle of deviation. मतलब finally वो इतना deviate हुई है, किस direction में जा रही थी और वो किस direction में मुड़ गई, इन दोनों के बीच का difference को हम angle of deviation कहते हैं. तो this you have to remember. Now through this we can also understand the phenomena of dispersion of light. We know that the bending takes place differently for a different color of light. जो blue color की light होती है वो ज़्यादा bend करती है और जो red color की light होती है वो कम bend करती है. तो जब blue color की light ज़्यादा bend करेगी तो वो नीचे की तरफ और नीचे की तरफ आ जाएगी. So इस तरीके से ये blue color की light मिल गई, then हमें orange red की तरफ की light मिलेगी और red जो है वो सबसे least bend करेगी तो हमें विब की ओर मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें सबसे ज्यादा बेंड जो हुई है वो वॉयलेट लाइट हुई है, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. रेड लाइट जो होती है वो सबसे कम बेंड करती है, ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज्यादा बेंड करती है. तो इस तरीके से हमें सेवन कलर्स ऑफ लाइट मिलता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट और ये जो हमें बैंड मिला है इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. सो दिस इज हाउ डिस्पर्जन टेक्स प्लेस.